अगर आप भी श्रद्धा पूर्वक नवरात्र के व्रत रखते हैं, उसमें कुट्टू के आटे का उपयोग करते हैं, तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल गाजियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र में कुट्टू की पूड़ी आदि खाने से 17 लोग बीमार हो गए, जिनको नंदग्राम स्थित मरियम हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। जांच के बाद डॉक्टर ने फूड प्वाइजनिंग की शिकायत बताई। पूछताछ में लोगों ने बताया वो अपने नजदीक के अमित आटा चक्की से कुट्टू का आटा लेकर आए। व्रत में कुट्टू का आटे का सेवन करने के बाद 17 लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार हो गए। वो आज मरियम अस्पताल में भर्ती हैं। दूसरी तरफ फूड सेफ्टी विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारियों के द्वारा अमित आटा चक्की पर सैंपलिंग लेने में जुटा है। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुविधा शर्मा। सुविधा जी, क्या हुआ है जो आप बीमार हो गए? मैंने नवरात्रों में व्रत रखा था, सी ब्लॉक अमित चक्की से मैंने आटा लिया और वहाँ पे उसे खाने से मुझे मेरी तबीयत खराब हो गई। खाने के कितनी देर बाद तबीयत खराब हुई, किस तरह का महसूस हुआ? 2-3 घंटे बाद हुई थी और उल्टी आन, पहले तो मेरी घबराहट होने लगी, फिर उसके बाद हाथ पैर में मतलब एक अजीब सा होने लगा, फिर मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर दिया था और फिर मुझे उल्टी हुई और फिर मैं यहाँ पे आके एडमिट हो गई। कितने बजे आप? 2 बजे। मेरा नाम चंदू। आपने कुट्टू का आटा खाया था जिसके वजह से आप बीमार हुए? हाँ। कहाँ से लिया था, किस तरह से खाया था, क्या बना के खाया? पकौड़ी बनाई थी और पूड़ी बनाई थी और चक्की वाले से लिया था। अच्छा, किस तरह से आपने वो खाना खाया था? ये पकौड़ी बना के खाई थी और पूड़ी भी बनाई उसमें आधी। खाने के बाद क्या हुआ आपको, जो अस्पताल में आप भर्ती हैं, किस तरह के सिम्टम्स आपको लगे? तो रात में सोते सोते हुए क्या आया, चक्कर आए, उल्टी आई, क्या हुआ? हाँ, चक्कर, घबराहट, बेचैनी सब एक साथ होने लगा जब फिर हम यहाँ मरियम में आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा है। वर्षा जी, किस तरह से आप बीमार हुए, क्या आपने खाया? कल मैंने फास्ट रखा था नवरात्रि का मॉर्निंग में, तो इवनिंग में मैंने शाम को फास्ट जैसे खोला, खाना बना, तो मैंने घर में जो खाना बना कुटू का, उसके पकौड़े बने थे तो मैंने वही खाए थे और उसके थोड़ी देर बाद से मुझे दिक्कत होने लगी, मतलब नाइट में दिक्कत होने लगी, मेरे को वॉमिटिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा, चक्कर आने लगे और मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे वाइब्रेशन सा होने लगा, मेरा माइंड काम नहीं किया और मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। फिर रात को मैं यहाँ पे एडमिट हुई हूँ, जब जाके मैं यहाँ पे मेरा इलाज शुरू हुआ है। नीलम। नीलम जी, किस तरह से आप बीमार हुए, क्या आपने खाया? रात को यही कुटू की पूड़ियाँ खाई थी बस, उसी के बाद 1-1.5 घंटे बाद सिर में चक्कर सा आया, फिर हम सो गए। जैसे ही उठे 1-1.5 बजे तो फिर तभी से उल्टी शुरू हुई। कहाँ से आपने आटा लिया था, कहाँ से? ये यही नंदग्राम में अमित चक्की वाले, इनके यहाँ से आटा लिया था। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आटे में कुछ गड़बड़ थी? फिलहाल तो आटे में ही होगी, और तो कुछ खाया नहीं। सर, फूड विभाग द्वारा अब तक कुट्टू को आटे को लेकर कितनी कार्रवाई की चुकी है? कुट्टू को लेकर के फूड विभाग गाजियाबाद द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल ही किराना मंडी में हम लोगों ने कार्रवाई की है, करीब 15 क्विंटल कुट्टू को सीज किया गया है। आज भी सूचना मिलने पर हम लोगों ने एक अमित आटा चक्की है, जिन्होंने कुट्टू के आटे की सप्लाई की थी और उसको खाने से कुछ लोग बीमार भी हुए थे, वहाँ पर हम लोगों ने कार्रवाई की है और कुट्टू को का नमूना भी लिया गया है। साथ ही साथ वहाँ पे बताया गया कि ये किराना मंदिर में सिद्धार्थ ट्रेडर्स से आया हुआ है, तो वहाँ पे भी जाकर के हम लोगों ने कार्रवाई किया है, वहाँ पर नमूना लिया गया है और करीब 2.5 क्विंटल कुट्टू को सीज किया गया है। और इसमें टीमें बनी हुई हैं, 4 टीमें लगातार काम कर रही हैं और जनपद के समस्त क्षेत्रों में नवरात्रि में प्रयोग होने वाले जो भी खाद्य पदार्थ हैं, प्रसाद के खाद्य पदार्थ हैं, उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं कुट्टू का आटा लेकर? लोगों से हम अपील करना चाहेंगे कि कुट्टू का आटा है, इसको इसका प्रयोग सावधानीपूर्वक करें और इसका प्रयोग, इससे जो बने आइटम हैं जैसे पूड़ी है, पकौड़ी है, इसको कम मात्रा में लें और पानी को पिएं। साथ ही साथ कुछ ऐसे ठंडे खाद्य पदार्थों का भी प्रयोग करें, जैसे दही का प्रयोग करें, और अगर एक बार में लेते हैं तो उससे बचें। साथ ही साथ जो कुट्टू का आटा जब लेते हैं तो एक पैक्ड आइटम हो, उस पर उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, उसे जानकारी प्राप्त करके ही लें
और कोई पुराना स्टॉक है उसको लेने से बचें। साथ ही साथ जो कुट्टू और कुट्टू के आटे से संबंधित खाद्य कारोबारी हैं उनसे भी हम अपील करना चाहेंगे कि जो फ्रेश स्टॉक हो उसको सेल करें, पुराने स्टॉक को या तो मार्केट से रिफाल कर लें या तो वो सेल न करें। और जन सामान्य से भी मैं अपील करूंगा कि इस तरह का कहीं पे भी कोई इस तरह का स्टॉक है जो संदेहास्पद है कुट्टू का, उसके बारे में सूचना दें। और खाद्य विभाग की जो हेल्पलाइन नंबर है 1800553 करके नंबर है, उससे उस पर भी ये बात कर सकते हैं। सर, नंदग्राम में कल कुछ लोग बीमार हुए, कितनी संख्या लोगों की है, कुछ बात में जानकारी? नंदग्राम में जो बीमार हुए हैं 17 लोगों के बीमार होने की सूचना प्राप्त हुई है और इनको स्थानीय मरियम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। सबकी हालात अब सामान्य है। उसमें करीब 10 लोगों को जो प्राथमिक जो जांच होती है उसके बाद ही छुट्टी दे दी गई थी। जो भर्ती हैं उनके भी हालात सामान्य हैं और हम लोग पूरी निगरानी रखे हुए हैं और संबंधित जो फर्म है उस पर।